ichan ka kimono kitna sundar hai na. गुड मॉर्निंग शिनचैन, कैसे हो तुम? हेलो, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? तुम बहुत सुंदर लग रही हो आईचैन, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। अरे मैं महाराजाओं की फैमिली से हूँ और मैं असली प्रिंसेस हूँ। आईचैन रुको, आईचैन रुक जाओ। इतनी सुंदर ड्रेस पहनी है ना इसने, क्या देखो तब दिखावा करती है। इस ड्रेस में वो भाग नहीं सकती। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया। स्कूल के ठीक बाद ही उसे एक इम्पोर्टेंट सेरेमनी के लिए जाना है, इसीलिए वो लेकिन आज तो हिमा वाली ग्रुप की बारी है, सही कहा ना मैंने? हाँ, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। आईने जो ड्रेस पहनी है वो बहुत महंगी है। हाँ, इस तरह के पैटर्न वाली ड्रेसेस बहुत महंगी होती है, नहीं पहनती है, तो हमें इसके ड्रेस का ख्याल रखना होगा। हाँ, क्या करूँ? राजकुमारी, हमारे निंजा दुश्मन अब हमारी रक्षा करेंगे। क्या तुम लोग मिलकर मेरी रक्षा करोगे? हाँ, हम आपकी रक्षा करेंगे। सही कहा। हे सुनो, मेरी बात सुनो तुम। ए लड़की सुनो। क्या बात है, तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। नैनी गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें भी वही करना है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं बनना अच्छी लड़की, मैं कुछ और खेलूंगी, तुम ही खेलो इस खेल को। अरे नहीं, देखिए हमारे स्कूल का अपना यूनिफॉर्म है, लेकिन फिर भी बच्चे जो चाहें वो पहन के आ सकते हैं घर से। हाँ सर, लेकिन सुनो, वो काले कपड़ों में बड़ा सा आदमी कौन था? वो काले कपड़ों वाला आदमी आई का बॉडीगार्ड है। हाँ हाँ, जो कोई भी है, पर तुम्हें ठीक से बात करनी चाहिए। अरे हाँ, बताइए तो सही, वो कहाँ पर है? सर वो तो इस तरह से वो बॉडीगार्ड का काम कैसे कर सकते हैं? वो थक भी तो सकते हैं। तुम्हें क्या पता कि बॉडीगार्ड की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है? अरे क्या कह रही है आप? हे सुनो। हाँ बोलिए। मैं बोर हो रही हूँ। सोचा नहीं पर सोच लूंगा। मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। इससे क्या करोगे? इधर चल। अरे ये तो पालकी जैसा लग रहा है। सही कहा तुमने, तुमने तो पहचान लिया। शिनचैन, क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है, बोलो? पता नहीं, मेरा बस बनाने का मन था तो मैंने बना दिया। अच्छा, तो इसमें बैठने से कुछ होगा तो नहीं ना? चलिए इसकी टेस्टिंग करें। बच्चों ये गेम खतरनाक हो सकता है, ऐसे गेम मत खेला करो। क्या मैम, हमने सारे सेफ्टी टेस्ट कर लिए हैं, ये एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है। सारे स्टैंडर्ड क्लियर है। पर जानती हो, इसने इकोनॉमिक सेफ्टी स्टैंडर्ड क्लियर नहीं किए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि एक प्रिंसेस को कैसल से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम तो आइसक्रीम लेने जा रहे थे। पर अगर इसे चोट लग गई तो बुरी बात होगी ना?
अगर ड्रेस गंदी हो गई तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमें सजा भी दी जा सकती है। तो क्यों ना चौक चिप्स लेने चले। लेकिन परेशानी कुछ और है शिनचान। चौक चिप्स नहीं मिलते हैं क्या? अरे बात ये भी नहीं है मसाओ। ठीक है तो रुमाल ट्राई करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले सफेद रुमाल को रबर से इस तरह से बांध बकेट्स में रखे रंग से डाई करो। तैयार है साहब? ठीक है। लेकिन उससे पहले अब ठीक है। ये बहुत अनकंफर्टेबल है। लेकिन इसके बिना तुम्हारी ड्रेस गंदी हो जाएगी। अरे मैं तो इसे पहनना चाहता हूँ। हाँ? ये तो आ गई। अब क्या करूँ मैं? कहीं अपनी ड्रेस ना गंदी कर ले, मुझे तो डर लग रहा है। प्लीज बस अपने हाथ मत डालना। जल्दी करो, मिक्स मत करो आप। जल्दी निकालो बाहर हाथ अपने। आइचन हो गया क्या? हाँ बस हो ही गया। सांसें रुक गई थी। ये खतरनाक है। वैसे क्या तुम्हें पता है उसके बालों में लगा क्लिप भी बहुत महंगा है। सुनो अगली क्लास में हिमावारी ग्रुप तो एक्सरसाइज करेगा ना? हाँ करेगा तो। क्या तुम अपनी ड्रेस चेंज कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हें इसे पहने रखना चाहिए। सही कहा, तुम सचमुच बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें सब पता है। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। रुको नैनी, आईचन ने कपड़े चेंज कर लिए क्या? मैंने उसे कहा कि कपड़े चेंज करना ठीक नहीं होगा तो उसने चेंज नहीं किया। अच्छा ऐसी बात है। तुम्हारा शुक्रिया नैनी। तो सब आ गई हो ना? हाँ मैम, बस शिनचान को छोड़ के। ठीक है कोई बात नहीं, आ ही जाएगा वो भी। तो जब तक हम शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा मुझे देर हो गई। हाँ? मैंने तो तुम्हें चेंज करने से मना किया था। हाँ लेकिन आज मुझे शिनचान के साथ डांस करना है। हाँ, अब इसे ड्रेस कौन पहनाएगा? बाहर सब मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। अरे नहीं, क्या ये सच में ठीक है? तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, ऐसे ही करती रहो। मुझसे नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। अरे सुनो, तुम्हें अभी से ये भी बनाना है। अब हम सब क्या करेंगे? किमोनो पहनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। चलिए ये काम भी हो गया। आज मेरे घर मास्किंग